बिग बॉस न्यूज और मैं हूँ प्रतिमा शाह। दुमका में एक फर्जी ईडी अफसर को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के प्लामू जिले के महेंद्र चौबे नाम का शख्स फर्जी ईडी अधिकारी बनकर जिला परिवहन पदाधिकारी को हड़काने के लिए दुमका पहुंचा था। दुमका के डीडीओ के मुताबिक महेंद्र चौबे नाम का शख्स ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर उनका भया दोहन कर पैसे ऐंठने के लिए ऑफिस तक पहुँच गया, लेकिन जब उस फर्जी ईडी अधिकारी की जाँच हुई तो सारी पोल खुल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने महेंद्र चौबे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक डीटीओपी बारला स्थापना शाखा में अपने सरकारी काम को निपटा रहे थे, उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति उनके ऑफिस में घुसा और अपना परिचय रांची स्थित निगरानी का अधिकारी बताकर दो ट्रक छुड़ाने की बात करने लगा। इससे पहले उस अनजान शख्स ने डीटीओ ऑफिस के कर्मचारियों को अपना परिचय ईडी अधिकारी के तौर पर दिया था। डीटीओ को जब शक हुआ तो उन्होंने उस अनजान शख्स की जांच की तो पता चला कि वो पलामू जिले के रहने वाले महेंद्र कुमार चौबे हैं, जो पूर्व में जेल भी जा चुका है। डीटीओ ने इसकी सूचना नगर थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महेंद्र चौबे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारी पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस मामले में महेंद्र चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। सर, आप तक पहुंचा और क्या इस पर कार्रवाई के लिए आप आगे लिखे हैं? ये व्यक्ति जब मेरे जिला परिवहन कार्यालय पहुंचा, उस समय मैं कार्यालय में नहीं था, क्योंकि उपायुक्त के आदेश से मैं स्थापना का और विधि शाखा का वरीय प्रभार में हूँ, तो मैं स्थापना शाखा में संचिका का निष्पादन कर रहा था। उसी वक्त ये फर्जी व्यक्ति वो मेरे पास आए और मेरे अंगरक्षक जब उनको रोका, पूछा कि आपको किनसे मिलना है, तो उन्होंने बोला कि मैं निगरानी में इंस्पेक्टर हूँ और डीटीओ साहब से मिलना है। तो जब वो आया और बैठा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है, तो ये बोले कि कोई काम नहीं है, सो मेरा गाड़ी डीएफओ पकड़ लिया है और रात साथ की कार्रवाई वो कर दी है। हमने कहा कि तो इस संबंध में आप डीएफओ से मिलते हैं, हमसे क्यों मिलने आए हैं? तब जब मैं उनको पूछा कि आपका परिचय बताइए, तो बोला हमारा नाम है शैलेंद्र प्रसाद और मैं रांची निगरानी ऑफिस में हूँ। तो फिर हमने पूछा कि तो ठीक है, तो आप किस काम से हमसे मिलने आए हैं? तो बोले कोई काम नहीं है। तो ये जब कार्यालय गए थे तो कुछ कार्यालय कर्मियों को ये बोले कि हम ईडी कार्यालय से आए हैं, तो उन लोग उनको बैठाए और हेड क्लर्क उस समय मेरे पास थे। और जब ये लौटे तो उनको भी ये बोला कि मैं ईडी से आया हूँ और डीटीओ साहब से मिलना है, तो यही लेकर के इनको समरणालय आए थे। और जब ये बोले कि हम निगरानी कार्यालय में हैं, तो हम बोले ठीक है, हम निगरानी कार्यालय से आपका सत्यापन करते हैं। तो जैसे ही हम फ़ोन करने लगे तो ये उठ के चला गया। बाद में फिर ये लगभग 3 बजे के लगभग फिर कार्यालय के आस पास घूम रहा था, तो हेड क्लर्क के द्वारा देखा गया और इनको पकड़ करके मुझे सूचित किया गया। तो हम उनको निर्देश दिए कि आप उनको रोक के रखिए और टाउन थाना इंस्पेक्टर को फ़ोन करिए, और उनको सूचित किया गया। और वो जब इनको पकड़ के थाना लाए और जब इनसे पूछताछ की जाने लगे तो ये अपने आधार कार्ड दिया, इसमें इनका नाम है महेंद्र कुमार चौबे और ये रहने वाले हैं आपका रेहला कितार, पलामू के रहने वाले हैं, और ये अपना फर्जी नाम शैलेंद्र प्रसाद, कभी ईडी से हैं कभी निगरानी से हैं ये बता रहे थे। तो अभी इनको थाना में ला के पूछताछ किया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है इनके विरुद्ध। क्या जानकारी प्राप्त हुई है इसके बारे में सर? थाना के स्तर से इनके बारे में जब इनके जो मूल पैतृक स्थान है वहाँ से पता किया गया, तो पता चला कि ये किसी केस में ये पहले भी जेल जा चुके हैं। तो
इससे प्रतीत होता है कि ये इसी तरह का फर्जी ऑफिसर बन के विभिन्न कार्यालयों में ये जाते हैं, और हमको लगता है इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम ईडी का नाम ले करके डरा करके और कुछ पैसा का भया दोहन करना इनका मकसद। साहब को तो क्या इस पर कार्रवाई? जी डीटी ऑफिस से फोन आया हुआ था कि शैलेंद्र प्रसाद अपना नाम बता रहे हैं और वो ईडी के इंस्पेक्टर अपने आप को बता रहे हैं, और उसी संदर्भ में संदेह हुआ तो फोन आया, तो यहाँ से टीम गई हुई थी और जब पूछताछ किए तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए और वो इधर उधर का बात कर रहे थे। उनको लाया गया है, वो पहले भी जैसे पता चल रहा है कि जेल गए हुए हैं, उनको कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनको न्याय कार्रवाई करके। फर्जी इंसान है। जी जी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज न्यूज। धन्यवाद।